KBPS News. एबीपीएस न्यूज की खास पेशकश। आज हमारा कारवां पहुंचा है मोहनलालगंज में। यहां पर विधायक मौजूद हैं अमरीश सिंह पुष्कर जी, जो समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं। उनसे जानेंगे कि ग्राम पंचायतों के लिए क्या होना चाहिए और क्या है आने वाले समय में ग्राम पंचायतों की, उनकी नजर में मांग क्या है। विधायक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आजादी को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज गाँव की स्थिति वो नहीं हो पाई जो कभी हमारे पूर्वजों ने सोचा था, क्या? देखिए, गांव की स्थिति तो आज भी पूर्णतया, मैं अपने ही क्षेत्र की बात कर लूं तो हमारा क्षेत्र राजधानी का विधानसभा माना जाता है, और आज भी यहां पे जो किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो उनको जो भी फसल का मूल मिलना चाहिए, जो उनको उर्वरक मिलना चाहिए, वो सब ऐसा कुछ भी यहां पे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज भी हम लोग बात करते हैं कि किसान अन्नदाता है, लेकिन आज भी उनकी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनको किसानों की फसलों का उचित मूल्य हम नहीं दिलवा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है हमारे तंत्र में कमी है, किसानों के साथ पूर्ण तरह से न्याय नहीं हो पा रहा है। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत को गणराज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें उसे 29 अधिकार दिए गए थे पहले 1992 के आसपास ये संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन वो सारे अधिकार अब तक ग्राम पंचायतों को नहीं मिल पाए। इसकी क्या वजह आपकी नज़र में? देखिए, मुझे तो लग रहा है जो अधिकार जो किताबों में पढ़े जाते हैं वो दूसरे हैं, यहाँ जो वास्तविकता में होते हैं वो अधिकार ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो और चाहे जिला पंचायत हो। क्योंकि मेरी पत्नी प्रमुख भी हैं, तो अभी मैंने जो क्षेत्र पंचायत का देख रहा था, किताबों में तो बहुत कुछ है लेकिन वो सारे अधिकारों में कटौती है, कहीं से उन पूरे अधिकारों का लाभ किसानों तक मतलब और ग्राम पंचायतों तक नहीं मिल पा रहा है। ये बिल्कुल सही है। अब इसकी वजह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो है ही है कि उपेक्षा हो रही है, उनके अधिकार जो मिलने चाहिए पूर्णतया नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, रोजगार की बात होती है कि गांव का जो नौजवान होता है वो रोजगार की तलाश में हमेशा रहता है, क्योंकि किसान का बेटा होता है, ज़्यादातर किसानों के ही बच्चे गांव में होते हैं। अब मान लीजिए सरकारी स्तर पे जो जगह निकली थी कुछ दिन पहले बीटीसी वाली, उन पर वो जीत भी गए जिन्होंने फार्म भरे थे, लेकिन फिर अब दोहरी बेंच पर उसकी मांग सरकार ने रख दी, तो इसे कहाँ तक गाँव के लोगों के साथ न्याय मानेंगे हम? ये तो गाँव के लोगों के साथ धोखा है हर तरीके से। उनको उनको जो हक है जो उनको ना मिल पाए, अब उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से ऐसे अड़ंगे उत्पन्न कर दिए जाते हैं कि उनको रोजगार तो बहुत दूर है। आज यूपी सरकार को बने हुए 1 साल हो गया, केंद्र की सरकार को बने हुए 4 साल हो गया, दोनों जगह इनकी सरकार है, लेकिन ना केंद्र की तरफ से ऐसे कोई रोजगार की मुहैया हो पाए हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है जिससे कोई किसी को रोजगार मिल सके और वो अपनी जीविका को चला सके। आप ये आंकड़े बताते हैं, कहीं से कोई रोजगार किसी को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। खाली आंकड़े पेपर में बोलना, टीवी पे बोलना, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले जब बात आई थी तो 2 करोड़ के आसपास नौकरियों की बात आ रही थी, लेकिन रोजगार आज भी कहीं नहीं है। और तो और जो किसान आदमी है उसके गन्ने तक का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। इसमें आपकी तरफ से कोई पिछली सरकार में पहल आपकी पार्टी ने करी थी या अब आने वाले टाइम में सरकार से इस तरह की कोई मांग करेंगे? देखिए, हम लोग तो देखिए अभी भी हमारा विगत दिनों में धरना हुआ, 27 जनवरी को हमारा पूरे प्रदेश के हर तहसील मुख्यालय पर धरना था। मेन मांग हमारी यही थी कि गन्ना के किसानों को उनको मूल्य दिया जाए, आलू के किसानों को, आज तक उनका आलू कोल्ड स्टोरेज में सड़ रहा है, नई फसल आ चुकी है लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई भी उनका आलू खरीदा नहीं जा रहा है और बहुत ही बुरी स्थिति में किसान आ चुका है। इसके लिए तो हम लोगों ने एक रिमाइंडर उनको तहसील मुख्यालयों पर धरना देके हमें बता चुका हूँ। अब सड़कों पर उतरना समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, अब हम लोग अगर उनको उचित मूल्य गन्ना किसानों को पूरा अगर भुगतान न दिया गया और आलू का अगर सही ढंग से उसकी खरीदारी नहीं की, तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई नेतृत्व कोई निर्देश होगा, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, किसानों के लिए बराबर संघर्ष करेंगे। गांव की राजनीति जो होती है वो ग्राम प्रधान वहाँ सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इस समय स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है,
हमारे लोग बहुत से ऐसे गांव में गए, प्रधानों से हमने बात की, तो वो ये कह रहे हैं कि सीधा लाभार्थी के खाते में तो पैसा जा रहा है, लेकिन अगर उसने शौचालय नहीं बनवाया तो FIR जो है वो ग्राम प्रधान पे हो रही है। इस मामले को आप कहां तक सही मानते हैं, क्या उसी के खिलाफ FIR होगी? देखिए, इसमें अब मैं राजनीतिक कारण है, गांव प्रत्येक गांव के अलग अलग परिस्थितियां हैं, कहीं जा रही हैं, कहीं प्रधान कहीं दबंग होते हैं तो वो लोग ले लेते हैं पैसा, और वैसे ज़्यादातर किसानों को जा जिसके लाभार्थी के खाते में जा रहा है पैसा तो बनवा रहे हैं, लगभग सब जगह बनवा रहे हैं। अब कहीं कहीं की बात है, वो मैं नहीं ज़्यादा बता सकता उस मामले में। अच्छा, आगे के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सरकार के लिए, और क्या संदेश होगा आपका उत्तर प्रदेश के गांव के जो लोग हैं, 59,163 ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए? देखिए, गांव के लोगों के जो अगर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के हिसाब से और हमारे जो भी यह है कि अगर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं दिया गया और उनको उर्वरक नहीं उपलब्ध कराए गए और नहरों के अगर पानी की उनकी कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले समय में हम लोग ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सरकार निश्चित हो जाए कि हम लोग सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। अगर उनको हक मिल जा रहा है किसानों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन्होंने अपने संकल्प पत्र दिया था, जैसे अन्य पार्टियां देती हैं घोषणा पत्र चुनाव के टाइम पे, इन्होंने संकल्प पत्र दिया था, उस संकल्प पत्र के आधार पे आप इस समय मौजूदा समय में कितनी वास्तविकता देख रहे हैं? अब हमको तो कहीं संकल्प पत्र जो उन्होंने दिया वो तो खाली पेपर में ही रहा। आज आप भी यहाँ पे हैं या हमारे क्षेत्र विधानसभा की मैं अपने बात करूँ, उस संकल्प पत्र में उन्होंने किसानों के ऋण माफी का वादा किया, आज वो ऋण माफी भी पूरी तरीके से एक कागजी आंकड़ा बन के रह गई है। यहाँ भी जितने किसान थे, एक छोटी छोटी रकमों को उन्होंने सो करके उसका किसी का 10 रुपये, किसी का 15 रुपये, हमारी भी विधानसभा में ऐसे तमाम मामले आए कि जिनके खाते में पैसा दे के ले लिया गया वापस, उनके साथ कहीं भी उनका ऋण माफी पूर्णतया हो नहीं पाई। तो ये जितने भी इनके वादे थे वो सब बिल्कुल ऑन पेपर थे, कोई धरातल पर इन्होंने नहीं उतारा कि उस वादे को लेके कोई कार्य कर रहे हों। समाजवादी पार्टी द्वारा जो गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए जो समाजवादी पेंशन थी उसको इन्होंने बंद कर दिया, उसकी जो एक रकम मिलती थी जिससे गांव की गृहिणी अपना पूरा परिवार उस 500 रुपये जो था, जिसको हम लोग 1,000 करने वाले थे, उसके आधार पर हम लोग मतलब वो गृहिणी अपना परिवार का खर्चा चला सकती थी। विपरीत परिस्थितियों में वो पैसा निकाल के घर के मतलब अनाज वगैरह की व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन आज इन्होंने वो भी बंद कर दिया। क्या उसके स्थान पे इन्होंने कोई और रोजगार उपलब्ध कराया, कोई और पेंशन दी? कोई नहीं दी, कोई भी पेंशन नहीं दी। इनका केवल काम यह है कि समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को ये अपना पत्थर लगा रहे हैं और आज और उनके किए हुए जो भी कार्य हैं उस पर अपने पत्थर लगा के ये लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। आज हमारी विधानसभा में नए कार्य के रूप में एक भी कार्य, एक नया पत्थर नहीं लगा, नया ईंट नहीं लगी है कहीं पे कि जिससे ये कह सके कि एक विगत एक वर्षों में इस सरकार द्वारा, कोई भाजपा सरकार द्वारा कोई विकास का कार्य किया जा रहा। विकास कार्य बिल्कुल गांव से लेकर शहरों तक सब बिल्कुल ठप है, कहीं कुछ नहीं है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर आप क्या मानते हैं कि गाँव में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसी हैं, अच्छी हैं या औसत दर्जे की मानते हैं? स्वास्थ्य केंद्रों पे तो हमारी सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, जो एम्बुलेंस थी, वो सब खैर कार्य कर रही हैं। यहाँ पे हमारी विधानसभा में तो लगभग ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा जो दूरांचल के गांव हैं वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उसके लिए भी हमने अपनी विधानसभा के लिए संबंधित जो आज वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको जो भी है उनकी शिकायतों को लेकर हमने पत्र लिखा है। तमाम हमारे CSC खोल दी गई हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध रहता है, उस सब मांगों को लेके हमने लिखा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से सुचारू रूप से है नहीं सही कहीं पे। अच्छा, सरकार बनने के टाइम पे भाजपा ने ये कहा था कि पब्लिक स्कूलों की फीस पे अंकुश लगाया जाएगा और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ सामने नहीं आ पाई। ना तो प्राइमरी स्कूल में और जूनियर हाई स्कूल में आज तक टीचर पहुंच पाए, ना ही पब्लिक स्कूलों की फीस या किताब में कोई कमी आई पैसे के मामले में लेकर। तो फिर अब समाजवादी पार्टी इस चीज़ को किस नज़रिए से देखेगी? देखिए, इनकी कथनी करने में अंतर है। आज आपने देखा कि गांव के बच्चों को स्वेटर मिलने थे, कहीं नहीं मिल पाए स्वेटर, नाम मात्र 2-4 स्कूलों में इन्होंने
स्वेटर बांट के महज खाना पूर्ति की है, तो अब इनकी नीयत में कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। ये कहते बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं चाहते। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा भविष्य में, हम लोग उसको लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। आपकी सरकार में जो योजनाएं चली थी वो बंद कर दी गई, अगर दोबारा आप सत्ता में आते हैं तो क्या उन योजनाओं को दोबारा लागू करेंगे? नहीं, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस समय जो एजेंडा आया था कि जो भी हमारी योजनाएं चल रही थी, लैपटॉप वितरण था, समाजवादी पेंशन था, समाजवादी पेंशन को तो हमको डबल करना था, 500 जो मिल रहा था उसको हमको 1000 करना था, लैपटॉप को भी मेघावी छात्रों को हमको देना था, और इस तरह की जितनी भी हमारी योजनाएं थी वो तो सब चली रही थी, उसको और बृहद रूप से लागू किया जाना था आने वाले सरकार बनने के उपरांत, लेकिन वो भी इस सरकार द्वारा बंद कर दी गई। आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग के द्वारा चलाई गई योजना और बड़े स्तर पर चालू की जाएंगी। आगे के लिए क्या प्लानिंग रहेगी समाजवादी पार्टी की देहात को लेकर? देखिए समाजवादी पार्टी देहात में तो क्या पूरे प्रदेश में है, और जो भी हमारे नेतृत्व का निर्देश होगा, अब ये नेतृत्व का है, जो भी निर्देश होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे और उसको लेके हम लोग यहाँ पे संघर्ष करेंगे और उसी को नेतृत्व के हिसाब से काम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव हम लोग बहुत भारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, हम लोग एक एक बूथ स्तर पर काम हो रहा है, बूथ स्तर पर संगठन का पुनर्गठन हो रहा है। अभी जितने वोटर बढ़ाए जाने थे प्रत्येक गांव में, हम लोग के काफ़ी संख्या में वोटर बढ़ाए गए हैं। बूथ स्तर पर हम लोग की कमेटियां को बिल्कुल सुचारू ढंग से उसको गठित की जा रही है। आने वाले समय में हम मजबूत संगठन के साथ हम लोग लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे और भारी से भारी सीटें हम लोग अब की जीतने जा रहे हैं। तो ये थे अमरीश सिंह पुष्कर जी, मोहनलालगंज से विधायक हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ एबीपीएस न्यूज़ से बात की और हम यही मानेंगे कि आने वाले समय में ये इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में आवाज़ भी उठाएंगे ताकि गांव और देहात को वो सुविधाएं मिल सकें जिसका सपना कभी गांव के लोगों ने देखा था। अजय प्रताप सिंह, एबीपीएस न्यूज़, लखनऊ। Thank you.